बहराइच में माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की हुई संपत्तियों पर उत्तर प्रदेश सरकार की तिरछी नजर लगातार बनी हुई है। इसी क्रम में बहराइच में बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन द्वारा यूपी के टॉप 50 सूची में शामिल माफिया गैंगस्टर देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर की लगभग 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। प्रशासन की इस कार्यवाही से अन्य अपराधी और माफियाओं में भी हड़कंप मच गया है। बता दें कि गब्बर सिंह कई मामलों में पिछले कई महीनों से जेल में निरुद्ध है, जिसकी अनैतिक तरीके से अर्जित की हुई करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। देवेंद्र सिंह और गब्बर सिंह, इनका पुराना आपराधिक इतिहास है और विगत वर्षों में भी इनके द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए इनकी आपराधिक गतिविधियों से या दरार धमकाकर या अन्य तरीके से जो अनैतिक तरीके हैं उससे जो संपत्ति अर्जित हो गई है, उसके संबंध में पुलिस साक्षात्कार प्राप्त हुई, जिसको धारा 14 बंद गिरोह बंद है सामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत महफूज किया गया है। उसके आदेश में स्पष्ट रूप से इनके नगर मजिस्ट्रेट सिस्टम शासक होगी, साथ ही तहसीलदार और जो सिटी के सहयोग के लिए होंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखा गया है, चूंकि इतनी बड़ी संपत्ति में काफी लोग कार्य कर रहे थे, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।